हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रीपोजिशंस। यहाँ पे हम तैयारी कर रहे हैं UPTET, CTET, KVS, NVS, DSSSP, HTET, RTET और ऐसे ही सभी राज्यों के TET प्रश्न पत्रों की। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं और एक लर्निंग एस्पिरेंट है और पढ़ने में आपको भी क्रेज़ है, तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएं। जिन्होंने ऑलरेडी कर लिया है उन्हें दिल से शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना है और फिर वीडियो को चलाना है। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज अ प्रपोजिशन। यहाँ पे कौन सा वर्ड है जो कि प्रपोजिशन दिया है, तो क्या है वो बियॉन्ड है या फिर येट है या फिर एंड है या फिर नाउ है। तो यहाँ पे बियॉन्ड जो है यही आपका एक प्रपोजिशन है, यानी कि आपका ए ऑप्शन यहाँ पे एकदम करेक्ट हो जाएगा। बियॉन्ड का मतलब होता है के परे, यानी कि किसी के उस पार हम कह सकते हैं, या फिर इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन ऐसा कहते हैं हम। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, फिलिंग द ब्लैंक टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। सो हियर द सेंटेंस इज द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन सा प्रपोजिशन प्रॉपर रहेगा। तो यहाँ पे किसी के प्रति उत्तरदायित्व, यानी कि रिस्पॉन्सिबल है ना, द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल डैश द चीफ मिनिस्टर, किसी के प्रति वो रिस्पॉन्सिबल हैं, इसके लिए जो एकदम अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन यूज़ किया जाएगा वो हो जाएगा आपका टू। दैट इज़, सो योर आंसर विल बिकम द मिनिस्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल टू द चीफ मिनिस्टर्स टू द चीफ मिनिस्टर ऑफ देयर स्टेट फॉर देयर वर्क। यहाँ पे टू जो है आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिलिंग द ब्लैंक फॉर द करेक्ट प्रपोजिशन। अगेन वी नीड टू फिल आउट द प्रपोजिशन हियर। सो यहाँ पे आपका सेंटेंस है, आर यू सॉरी डैश व्हाट यू हैव डन। तो यहाँ पे पूछा गया कि भाई किसी चीज़ के लिए शर्मिंदगी, अगर इस चीज़ के किसी चीज़ के लिए शर्मिंदगी जाहिर करने के लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, है ना, सॉरी फॉर समथिंग। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे एग्जैक्टली, यहाँ पे हो जाएगा आर यू सॉरी फॉर व्हाट यू हैव डन, है ना, विथ यू हैव डन तो नहीं होगा, ओवर और बाय यहाँ पे नहीं आएगा। प्रीपोजिशन जो आपका एकदम अप्रोप्रिएट है दैट इज़ फॉर, यहाँ पे आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन टू द कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। व्हाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस डैश मी, है ना। तो यहाँ पे सस्पिशियस ऑफ समबडी है ना, किसी व्यक्ति वस्तु के प्रति संदेहजनित रहना, है ना, संदेहित रहना, उसी को हम सस्पिशियस कहते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली जो आपका प्रपोजिशन सही रहेगा वो हो जाएगा आपका वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। तो यहाँ पे ऑफ आ जाएगा, ऑफ मी, तो आपका सी उत्तर यहाँ पे एकदम करेक्ट है। आपका आंसर हो जाएगा वाई आर यू ऑलवेज सो सस्पिशियस ऑफ मी। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशंस। आई ट्राइड डैश रिलीव देम डैश देयर पॉवर्टी। यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। यहाँ पे आपका जो बी ऑप्शन है यही एकदम अप्रोप्रिएट है, देखिए, और करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसलिए आई ट्राइड टू रिलीव देम ऑफ देयर पॉवर्टी। अगला क्वेश्चन हमारा है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन। व्हेन शी पार्टेड डैश हर पेरेंट्स हर आईज वर फुल ऑफ टीयर्स। जब वो अपने पेरेंट्स से अलग हुई वो उसकी आंखें जो है वो एकदम नम हो गई थी या भर आई थी कह सकते हैं। यहाँ आपका जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा दैट इज फ्रॉम, है ना, व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर पेरेंट्स, किसी चीज़ से अलग होना, और से के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फ्रॉम यूज़ करते हैं। तो when she parted from her parents, her eyes were full of tears। तो आपका सी ऑप्शन जो है एकदम अप्रोप्रिएट है। अगला क्वेश्चन हमारा है, filling the blank with the correct prepositional phrase। यहाँ पे आपको prepositional phrase भरना है, देखिए prepositional phrase पूछा है तो यहाँ पे एक phrase आएगा। यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, the deaf learn to communicate with one another dash sign language। अब यहाँ पे वो किससे साइन लैंग्वेज में मतलब कैसे बात करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आपका जो एकदम अप्रोप्रिएट आएगा वो हो जाएगा बाय मीन्स ऑफ, के द्वारा, है ना, बाय मीन्स ऑफ, इसके द्वारा या उसके द्वारा, जो भी मीन्स है साइन लैंग्वेजेस उसके द्वारा वो बात करते हैं। तो यहाँ पे बाय मीन्स ऑफ यही फ्रेजल प्रपोजिशनल वर्ड है, इसी को हम यूज़ करेंगे। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन
बी हो जाएगा और आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा द डेफ लर्न टू कम्युनिकेट विथ वन अनदर बाय मीन्स ऑफ साइन लैंग्वेज. अगला क्वेश्चन आपका है चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन. वी हैव बीन लिविंग हियर डैश 6 months. तो यहाँ पे सिंस वी यूज फॉर द पॉइंट ऑफ अ टाइम वाइल फॉर इज यूज फॉर द पीरियड ऑफ टाइम. यहाँ पे जो हम सिंस यूज करते हैं वो किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज़ किया जाता है, किसी क्षणिक मूवमेंट के लिए यूज़ किया जाता है ऐसा हम कह सकते हैं. एट राइट नाउ ये कोई एक पॉइंट है उसके टाइम पे, उस टाइम पे इसलिए हम यूज़ करते हैं क्या सिंस. और यहाँ पे पूछा, यहाँ पे क्या दिया है, एक सिक्स मंथ दिया है तो ये क्या है, एक पीरियड ऑफ टाइम हमें को बताया. जब पीरियड ऑफ टाइम बताया रहेगा तो हम यूज़ करेंगे फॉर. और जब आपका कोई एट अ टाइम दिया रहेगा यानी पॉइंट ऑफ टाइम एग्जैक्ट बताया रहेगा एट दिस टाइम और दैट टाइम, सो वो टाइमिंग एग्जैक्ट टाइमिंग वहाँ पे आपका आ जाएगा सेंस. ठीक है, आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो है वो हो जाएगा डी. वी हैव बीन लिविंग हियर फॉर 6 months. ठीक है, आपका डी उत्तर जो है यहाँ पे एकदम अप्रोप्रिएट है. अगला क्वेश्चन हमारा है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन. ही इज ब्लाइंड डैश हिज ओन फॉल्ट. वो अंधा है उसी की गलती की वजह से. लेकिन यहाँ पे जो प्रपोजिशन है वो कौन सा सही होगा, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट. यहाँ पे हम सोच रहे होंगे ऑफ हिज ओन फॉल्ट, लेकिन यहाँ पे ऑफ नहीं आएगा. ठीक है, टू आएगा. बी ऑप्शन जो आपका एकदम करेक्ट है, ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, उसी के फॉल्ट की वजह से. अगला क्वेश्चन हमारा है चूज द करेक्ट ऑप्शन. द पैसेंजर्स अलाइटेड डैश द बस. पैसेंजर्स अलाइटेड फ्रॉम द बस है, आपका फ्रॉम यहाँ पे करेक्ट आ जाएगा, सी ऑप्शन. अगला क्वेश्चन हमारा है द जज एक्विटेड हिम डैश द मर्डरर मर्डर चार्ज. सो द जज एक्विटेड हिम डैश द मर्डर चार्ज. यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑफ द मर्डर चार्ज, जिस चीज के लिए तो हम यूज करते हैं ऑफ. द जज एक्विटेड हिम ऑफ द मर्डर चार्ज. तो आपका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा. अगला क्वेश्चन हमारा है फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रपोजिशन. ही डील्स डैश राइज. वो डील करता है किस में, राइज में. तो में के लिए हम क्या यूज करते हैं, यहाँ पे इन यूज करते हैं. तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इन. ही डील्स इन राइज. ठीक है, आज की वीडियो में गाइस बस इतना ही. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद.